कुंडली में मंगल का क्या प्रभाव होता है और मंगल किस प्रकार से हमारी दशा और दिशा को तय करते हैं, मंगल का ठीक रहना कितना जरूरी है और मंगल जब कमजोर होते हैं तो हमारी राशि पे, हमारी कुंडली में और हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। प्रदीप जी, मंगल को लेके लोगों में उहापोह की स्थिति रहती है। अक्सर ये सुनने में आता है कि मंगल खराब है तो हमें ये दिक्कत हो रही है। तो मंगल क्या है, मंगल का प्रभाव क्या है और हमारे जीवन को मंगल कैसे प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को? देखिए, सबसे पहले जब हम नवग्रह स्तुति करते हैं तो हर ग्रह के लिए व्यास जी ने कुछ कुछ बातें कही हैं। जब हम मंगल की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो मंगल है वो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न है, बिजली के समान है, यानी कि बिजली के समान उनकी कांति है, उनका रंग रूप है। इसके साथ साथ उनमें, उनके बाजुओं में अत्यधिक ताकत है मंगल के पास। तो इससे हम क्या समझते हैं कि आपने सुना होगा कि उज्जैन के पास मंगलनाथ मंदिर है, उज्जैन में, तो उस स्थान को मंगल का जन्म स्थान कहा जाता है। तो व्यास जी क्या बोल रहे हैं कि भूमि पुत्र है और वो हमें पता भी है कि उज्जैन में उनका जन्म हुआ है मंगल ग्रह का। तो जब हम बात करते हैं कि भूमि पुत्र है, इस बात से हम क्या समझते हैं कि जब भी आप देखोगे जिसका मंगल अच्छा होगा, अच्छे का मतलब है कि उसकी प्लेसमेंट ठीक है और सही राशि में वो बैठा हुआ है, मान लो उच्च का है, तो उसको भूमि से जुड़े हुए हर मैटर में सफलता मिलेगी। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के पास प्रॉपर्टी की कभी कमी नहीं रहेगी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के वो स्वामी होंगे। अच्छा। भूमि के कारक है इसीलिए वो भूमि पुत्र है। इसके साथ साथ विद्युत की कांति वाले हैं, तो यानी कि जिसका मंगल अच्छा होता है तो उसको आप देखेंगे अत्यधिक एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, मिनट में ये काम करेगा, मिनट में वो काम करेगा और कहीं भी उनके अंदर कोई डर पैदा नहीं होगा, कभी भी उनको आलस नहीं होगा, यानी कि उनके अंदर एनर्जी भरपूर होगी। जब हम आगे कहते हैं कि उनके पास शक्ति है बाजुओं की, तो यानी कि कर्मठ होगा, जिसका मंगल अच्छा होगा वो ये बोलेगा कि ठीक है ये नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं कर लूँगा। यानी कि वो भाग्य के भरोसे नहीं होगा, वो अपने कर्म के भरोसे ज़्यादा होगा, कर्मशील होगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल एनर्जी का कारक बन जाता है, साहस का कारक बन जाता है, छोटे भाई बहन का कारक बन जाता है, भूमि का कारक बन जाता है, वाद विवाद का कारक बन जाता है। इसीलिए जब भी आप देखोगे जब मंगल बली होता है तो उसकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत होती है। अब तर्क शक्ति तो ऐसे लोग सेल्स मार्केटिंग में बड़ा अच्छा कर पाते हैं और खासकर अगर बुध का भी साथ उनको मिल जाए तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो अच्छे हो जाते हैं। तो यानी कि जब भी साहस की बात होगी तो मंगल आपका अच्छा होने वाला है, तभी वो साहसी होगा व्यक्ति। अब होता क्या है कि अगर मंगल अच्छा है तो आप पवन पुत्र की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर मंगल आपका खराब है तो आप भस्मासुर की तरह काम करेंगे, आप खुद अपना भी नाश करेंगे और सामने वाले का भी करेंगे। अच्छा। जैसे भस्मासुर को सब शक्ति मिली तो वो क्या था, उसने लास्ट में तो जब विष्णु जी ने घुमाया तो अपने को ही भस्म कर लिया, तो वो आप कर सकते हैं। तो यानी कि मंगल का अच्छा होना आपकी पत्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल का अच्छा या बुरा होना वो तो राशि और ग्रहों के आधार पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये खुद तो कोई चाहता नहीं है कि हमारे ग्रह खराब हो। ऐसे में मंगल यदि खराब रहे या मंगल कमजोर के हो, मंगल नीच के हो, उच्च के ना हो, तो जीवन में जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को बताएं और मंगल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। ठीक है, देखिए मंगल को आपको पहचानना है आपकी पत्री में, तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके अंदर साहस है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन जब खड़े होने की बात आती है, जब कोई कठिनाई आती है तो भाग जाते हैं, अंदर से डरपोक होते हैं। तो यानी कि उनका मंगल कमजोर है, नीच का हो सकता है। ये लक्षण जरूर ध्यान से सुने यार, क्या है मंगल मजबूत होने, यदि आप कुंडली नहीं दिखा पाते हैं कहीं पर या फिर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है या फिर आपका जन्म तिथि क्या है, आपको नहीं जानकारी, लेकिन मंगल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका मंगल आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ये लक्षण है। और यदि आपको अपनी जन्म तिथि पता है और अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर विशेष रूप से आपको जानना है कि आपका मंगल आपकी कुंडली में क्या प्रभाव दे रहा है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में।
कुंडली के आधार पर आपका स्वर्णिम भविष्य कैसा रहने वाला है, और एक जनरल जो उसका प्रसिप्शन है, एक सामान्य रूप से मंगल के प्रभाव का उच्च होना या नीच होना, कमजोर होना क्या कुछ कहता है, उसके बारे में प्रदीप जी बता रहे हैं। प्रदीप, एक तो लक्षण आपने ये बता दिया जी, दूसरा लक्षण क्या है कि आप रिएक्ट कितनी देर में कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखो, जैसे कुछ बोला तो एकदम रिएक्ट करेंगे आप जी, बिना सुने ही बोल देंगे और कुछ भी बोल सकते हैं। तो यानी कि फिर भी मंगल कमजोर है। जिसका मंगल मजबूत है, मजबूत का मतलब है कि वो अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो उसके अंदर सहनशीलता होगी जी। यानी कि अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका मंगल कुछ ना कुछ गड़बड़ के साथ है। वो अग्नि है, तो अग्नि वो भड़क रही है, मतलब वो अग्नि है कि जिसने पूरा तबाह किया हुआ है। एक अग्नि है जो खाना बनाने के काम आ रही है, एक अग्नि है जो घर फूंकने के काम आ रही है। यानी कि मंगल शांत, धीर और गंभीर भी बनाता है। अगर मंगल मजबूत है, अगर मंगल कमजोर है तो रिएक्टिव बनाएगा, इंपल्सिव बनाएगा, अपना भी नाश करेगा, सामने वाले का भी करेगा, वाद विवाद करेगा, उल्टे सीधे करेगा और सबको परेशान करेगा जी। तो अब दूसरा क्या है कि आपको ये तो समझ में आ गया कि मेरे अंदर सहनशीलता है, तो यानी कि मेरा मंगल अच्छा है जी। अब अगर आपका मंगल कमजोर है तो ये भी आपको समझ में आएगा कि मैं कितना रिएक्टिव हूँ। इसके साथ दूसरा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी डिस्प्यूटेड है, जैसे ही आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी हुई और उसमें डिस्प्यूट आ गया, मान लीजिए कि बिल्डर ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, आपके पड़ोसी ने प्रॉब्लम कर दी, किसी ने क्लेम कर दिया, मतलब आपकी कुल मिला के प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई है, इसका मतलब है कि आपके मंगल में प्रॉब्लम है। क्योंकि मंगल भूमि का कारक है। एक लाइव एग्जाम्पल है, एक हमारे क्लाइंट थे, तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ ठीक चल रहा था, अपना मकान अपने बेटे के नाम कर दिया। अच्छा। और बेटे के नाम करते ही क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई जी। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई और हुआ ये कि वो खुद घर से बाहर रहने चले गए, लड़का बाहर रह रहा है, उस घर में उनकी वाइफ रह रही है। ओ। मतलब प्रॉपर्टी होते हुए उस प्रॉपर्टी का सुख नहीं है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई। किसके कारण? क्योंकि मंगल उसकी पत्री में खराब है। यानी कि जैसे ही मतलब पिता ने पुत्र के नाम से लिखा, डिस्प्यूटेड पुत्र का मंगल खराब था, तो ये सारी समस्याएं हो गई। यानी कि प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट है तो मतलब मंगल आपका पक्का पर खराब है जी। तो ये आपको, आप पहचान सकते हैं उससे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो भूमि ले ही नहीं पाते कई बार, तो उसमें मंगल का अहम रोल होता है। क्योंकि मंगल अगर अच्छा है तो भूमि आपको दिलवाएगा, भले से पैतृक हो या आपने खरीदी हो। कुछ लोगों को पैतृक भी नहीं मिलती, होते हुए उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आपकी जो तर्क शक्ति है, जो वाद विवाद करने की है, या आपके अंदर जो एनर्जी है वो कितनी है। और अगर मंगल के आपको बेस्ट परिणाम लेने हैं तो ये कहा जाता है कि अगर वो उपचय घरों में है, 3, 6, 10, 11, तीसरा हमारी साहस कर्मठ बनाता है हमें, यानी कि हम कितने साहसी हैं। छठा घर हमें रणरोग शत्रुओं से लड़ने की ताकत देता है। दसवां घर हमारा परिश्रम का है, प्रोफेशनल लाइफ का है। और ग्यारहवां घर हमारे गेम्स का है। यहाँ पर अगर मंगल है, किसी भी राशि का मंगल है, तो ये तो बात तय है कि आप कर्मठ व्यक्ति होंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार की कोशिश करेंगे। अब यही मंगल अगर आपका फोर्थ हाउस में आ गया, आपके घर के सुख में आ गया, तो घर में इम्पल्सिव बिहेवियर आपका हो जाएगा और वहाँ पर लड़ाई झगड़े आपके वो करवाता रहेगा। और अगर मंगल आपका राहु के साथ आ गया तो फ्रस्ट्रेटेड आप फील करेंगे, क्योंकि राहु उसको भड़का देगा अग्नि को, और वो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और जिस घर में बैठा होगा उससे जुड़े हुए रिजल्ट में आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगी। आप कुछ उपाय बताएं, विशेष उपाय जिससे हम मंगल को अपने बेहतर कर सकें। देखिए, इसके लिए हम 2-3 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर सही प्लेसमेंट है तो आप होंगा पहन सकते हैं, तो उसको बल मिल जाएगा। नंबर 2, आप ये कर सकते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। उस केस में सुंदरकांड, अगर प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है तो सुंदरकांड, अदरवाइज इन जनरल आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या हनुमान जी के किसी विशेष मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर इंपल्सिव बिहेवियर है या कोई ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो आप अपने आप को ये देखना कि जब जब आप जलीय स्थानों के पास जाएंगे वहाँ पर आप कूल फील करेंगे। जलीय स्थान मतलब कहीं तालाब के पास होंगे, आप नहा के आ जाएंगे, आप टब में बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे, आप बीच पे चले जाएंगे, तो आप होगा क्या, जो मंगल की अग्नि भड़क रही है वो जल तत्व आने से वो शांत हो जाएगी। तो आप अपने घर के नॉर्थ कोने में भी सो सकते हैं, जो आपके घर का नॉर्थ है, अगर वहाँ पर आप सोते हैं वो भी आपको कूल करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मंगल आपका डिस्टर्ब है और आप दक्षिण में सोते हैं तो अग्नि को और भड़का देगा। तो आप इनसे भी आप अपना उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ फ्रस्ट्रेशन है, या मान लीजिए कि सप्तम हाउस में मंगल और राहु हैं आपके, तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा पत्नी के साथ, तो आप देखेंगे जब जब आप पत्नी के साथ किसी भी बीच पर जाएंगे या जलीय स्थानों पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। अच्छा।
तो ये आप जनरल उपाय कर सकते हैं, बाकी पूजा पाठ तो आप कर ही सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा नहीं करते तो हनुमान जी के लिए नरसिंह अवतार विष्णु जी का, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। या आप विष्णु जी की सिंपल पूजा भी करते हैं ओम नमो नारायण, तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये तो वो सामान्य उपाय थे जिन्हें आप अपना सकते हैं और मंगल का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा पड़ता है ये उसके कुछ सामान्य लक्षण थे। लेकिन यदि आप मंगल के बारे में विधि और विधान के साथ जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं, तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ अपनी कुंडली के आधार पर जान सकते हैं, जो आप हमें भेज सकते हैं और उसके बारे में आचार्य जी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मंगल को आप और बेहतर बना सकते हैं या फिर आपका मंगल कहां पर कमजोर है। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी जरूरी बातें हमारे दर्शकों को नित्य के राशिफल के साथ ही, जो हम विशेष एक ग्रहों की एक चर्चा हम सीरीज कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये थी 12 राशियां और किस प्रकार से अपनी करनी है हमें अपने दिन की शुरुआत, ये आपने जाना, और मंगल का प्रभाव हमें क्या लाभ देता है और क्या मंगल के कमजोर होने से हानि होती है इसके बारे में आपने जाना। इसी प्रकार से हम फिर हाजिर होंगे लेकर अगले सप्ताह साप्ताहिक राशिफल और साथ ही किसी और ग्रह के बारे में रोचक जानकारी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।